हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी जो है 1/2024 के बैच का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसके ऑनलाइन फॉरम है आज से ऑनलाइन फॉरम इसके स्टार्ट होने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिटेल वाइज बात करेंगे, जैसे कि अब की बार इसमें क्या बदलाव किया गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, कब से कब तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सभी A to Z जानकारी इसी वीडियो में बात करेंगे और कब से कब तक आपकी ये जो इसमें काउंट की जाएगी। वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। ये आप 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये आपकी जो है 58 साल तक की जॉब है, ना कि 4 साल की जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब है, तो आप जो है एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करना आपको। अब बात कर लेते हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो पहले हम बात करेंगे क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहें। देखिए, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन है जिसमें 2 तरह की वैकेंसी आपकी पिछली बार निकाली गई थी। पिछली बार जो वैकेंसी थी आपकी नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी थी, जिसमें +2 पास जिसने भी कर रखी है मैथ और फिजिक्स के साथ, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम जो एज है 18 से 22 साल एज होती है इसमें। UR कैटेगरी और OBC और EWS कैटेगरी, जनरल OBC EWS कैटेगरी की अलग अलग एज है, मतलब कि UR और EWS कैटेगरी की जो है 18 से 22 साल एज है। OBC को 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जाती है और SC ST को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट इसमें आपको दी जाती है। वैकेंसी आपकी अलग अलग वैकेंसी है, मतलब कि 260 वैकेंसी दी गई थी आपकी। GD की वैकेंसी जो थी उसकी 260 वैकेंसी दी गई थी और यहाँ पर आपकी रीजन वाइज वैकेंसी बांटी गई थी, किस रीजन की कितनी वैकेंसी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो नॉर्थ रीजन की थी। उसके बाद बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आपका इसमें होता है, वो लाइव आपकी इसमें इमेज होगी, मतलब लाइव आपका फ़ोटो इसमें कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो फर्स्ट स्टेज आपका, उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। देखिए, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। फर्स्ट स्टेज जो आपका होने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है वही बात करेंगे। जैसे कि नाविक GD की पोस्ट है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसमें पासिंग मार्क्स आपके जो है वो बताए गए। UR EWS 50 है, OBC कैटेगरी के लिए 50 नंबर है, SC ST के लिए 40 नंबर है इसमें पासिंग मार्क्स यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा आपका, सेक्शन 1 है जो इसमें 60 नंबर का होगा, टाइम 45 मिनट, क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, GK से 5 क्वेश्चन। और इसमें जो आपका पासिंग मार्क्स है UR और PC EWS के लिए 30 है, SC ST के लिए 27 है, 10th लेवल का सिलेबस हो आपका। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है जो आपका, इसमें 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का टाइम, 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, UR EWS OBC से 20% नंबर आपको पासिंग रखे गए हैं, 17 नंबर आपके SC ST के। ये 12th लेवल का सिलेबस होगा, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ये फार्मूला आपका इसमें लगने वाला है। उसी के बाद बात करें तो स्टेज 2 आपका, ये जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। इसमें रनिंग आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी, 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 उठक बैठक होंगी, 10 पुशअप होंगी आपकी इसमें। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर साथ में होगी आपकी। उसके बाद आगे बात करें तो जो मेडिकल है वो आ गया आपका, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है इसमें। अब बात कर लेते हैं कब तक आप, कब से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन सी अब की बार इसमें पोस्ट आपकी रहेगी। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये इसमें आपकी फ़ीस रहेगी, SC ST कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी है 300 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। फ़ीस आपको जो है इसके लिए ऑनलाइन ही पे करनी होगी। उसके बाद ये आपका जो है, मतलब कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट आपका, 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जैसे कि आज से ही ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट होने वाले हैं, 13 जून से आपके ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब की बार वैकेंसी आपकी, तीनों की वैकेंसी आने के चांस हैं। तीनों की वैकेंसी आपकी आएगी, नाविक जनरल ड्यूटी GD DB
और आपकी यांत्रिक की तीनों की वैकेंसी आने के चांस सबकी बार। उसके बाद बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुका है, हो जाएंगे आपके 13 जून से 10-11 बजे से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने पहले बता दी, आपके लिए एप्लीकेशन यहाँ फीस रहने वाली है। 18 से 22 साल एज होगी, एज आपकी जो है 1 जुलाई या 1 अगस्त से आपकी एज हो इसमें काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 12वीं आपने पास कर रखी हो मैथ फिजिक्स के साथ हैं। यांत्रिक के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। डीबी के लिए आपने 10th क्लास सिंपल पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ इसका। देखिए ये जो भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट है उस पर अपडेट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन फॉरम है वो आपके 13 जून से ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 11 बजे। 3 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन फॉरम भर सकेंगे। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉरम भरना है। फुल नोटिफिकेशन आपको जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। आपकी वैकेंसी 1/2025 का बैच है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है।